दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने से पहले दिल्ली में 60 छठ घाट होते थे, लेकिन आज 10 साल के बाद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार करवाती है। घाट बनाने, पानी का इंतजाम करना, मेडिकल सुविधा, डॉक्टर्स का इंतजाम आदि, ये सभी दिल्ली सरकार के विभाग करते हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि पूर्वांचली भाई बहनों को पूजा करने के लिए अपने घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहाँ पे छठ पूजा होती थी, लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा होता है। आर्टिफिशियल घाट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग PWD विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड पानी का इंतज़ाम करती है। मेडिकल सुविधा भी दी जाती है जो बड़े छठ घाट हैं, वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर्स नर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है। इन छठ घाटों पर दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा पूरा टेंट, लाइट, साउंड का अरेंजमेंट होता है। जो जो भी बड़े छठ घाट हैं वहाँ पर मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता है। तो दिल्ली में कहीं पर भी अगर हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, उनको अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा छठ पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए और अपने त्यौहार को मनाने के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार के इस आयोजन की वजह से आज छठ का त्यौहार सिर्फ हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों का त्यौहार नहीं है, सभी दिल्ली वासियों का त्यौहार है और सभी दिल्ली वासी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं।